सुशांत सिंह राजपूत केस में आज करण जौहर की कंपनी धर्मा के सीईओ का बयान दर्ज किया जाएगा। ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कितने बजे और क्या जांच हो सकती है, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। सबसे पहले इस हफ्ते दरअसल चार लोग और हैं जिनका जो है मुंबई पुलिस बयान दर्ज करना चाहती है, और उसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उनकी जो जाँच है वो खत्म हो जाएगी। सीईओ जो कि आज 12 बजे उनको समन भेजा गया है, अपूर्व मेहता, उसके बाद जो है उनकी जो दो बहनें हैं सुशांत की, मीतू और नीतू, उन दोनों का बयान और करण जौहर। जी हाँ, इन चार लोगों के बाद जो है मुंबई पुलिस की जांच खत्म है, और उन्होंने कहा है कि जो छोटी मोटी पूछताछ रहेगी, क्या उन्हें कभी डाउट लगेगा कि इसमें जो है ये चीज़ निकल कर आ रही है, तो बयान दर्ज किया जाएगा, वरना मुंबई पुलिस ने जो है अपनी जाँच कम्प्लीट कर ली है। अब जो है अपूर्व मेहता का आज बयान दर्ज किया जाएगा। अपूर्व मेहता जो है वो धर्मा प्रोडक्शन में सीईओ है। जब ड्राइव फिल्म बनी थी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्योंकि उनको कहा गया है, अपूर्व मेहता को, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, जाहिर सी बात है अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बुला रहे हैं तो ये बहुत बहुत कॉमन बात है कि आप जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मंगवाएंगे, और वो देखेंगे कि जो ड्राइव फिल्म के समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक ही फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था पहले, सबसे बड़ी बात धर्मा के साथ, और दूसरी बात क्या थिएटर रिलीज़ के लिए बोला गया था, और अगर थिएटर रिलीज़ नहीं हुई, ओटीटी रिलीज़ हुई, तो कोई कॉम्पनसेशन था जो उन्हें वापस दिया गया है कि नहीं, हमने आपका जो है टर्म्स एंड कंडीशन में थिएटर रिलीज़ लिखा था लेकिन हमने ओटीटी रिलीज़ किया है तो हम आपको ये चीज़ कॉम्पनसेट करते हैं, या तो हम आपको एक और फिल्म देते हैं या फिर हम आपको कुछ पेमेंट करते हैं। इस तरह के जो है क्लॉजेस को चेक किया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि क्या इस बात को लेकर सुशांत और धर्मा में किसी बात को लेकर फॉलोआउट हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ कि उस दौरान जो है एक आर्टिकल आया था जिसमें सुशांत के एक करीबी ने इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत इस बात से काफ़ी नाराज था कि उसकी फिल्म ओटीटी पर क्यों रिलीज़ की गई, और इस बात के लिए उसने करण के साथ जो है लड़ाई भी की थी, बहस भी की थी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसी बात को लेकर जो है आज धर्मा के सीईओ अपूर्व का बयान दर्ज किया जाएगा, काफ़ी अहम बयान माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद जो है करण जौहर का भी बयान दर्ज किया जाना है, और दोनों बहनों को बोल दिया गया है आने के लिए, और देखना ये ज़्यादा है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक जितनी जांच की है ना, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पहलू मिले हैं जिसको वो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती हैं, क्योंकि डॉक्टर का बयान जब मिला है तो उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें निकल कर आई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने बहुत सारी पर्सनल बातों को जो है सूत्रों के हवाले से हमें भी जो पता चली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना फैमिली के परमिशन के नहीं चलाई जा सकती, तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है मुंबई पुलिस परिवार वालों से जो है बात करेगी कि क्या ये चीज़ें जो डॉक्टर ने बताई हैं आप लोगों को पता थी नहीं थी। तो ये जो पूरा हफ्ता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो दोनों बहनें आएंगी उनका बयान दर्ज होना, आज अपूर्व मेहता का होगा, और वीक के एंड में जो है करण जौहर को भी आने के लिए कहा गया है। इसको लेकर अगर कोई भी खबर आती है तो हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे।